नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर बिहार से। कटिहार जिले से एक मामला सामने आया है। कंपाउंडर द्वारा वीडियो कॉलिंग कर मरीजों का किया जा रहा इलाज। देखिए बिहार से हमारे संवाददाता विमल कुमार की रिपोर्ट। कैसे देखे 300 रुपए जमा किए? कैसे देख रहे हैं सर? हम लोग स्टाफ वहाँ काम कर रहे हैं, करते हैं, वहाँ सीखते हैं, सर वहीं बात वीडियो से देख कैसे आज कुछ वजह से सर नहीं आ पाए हैं, तो सर हमको भेजे हैं कि जाके वहाँ जो भी पेशेंट आएगा वीडियो कॉल करके जो भी पेशेंट को दिखाना है, कैमरा है, कैमरा द्वारा दिखा देना, जो कैमरा लगा हुआ है सर का उसी द्वारा जो भी द्वारा हमारे यहाँ पेट में दर्द है तो कैमरा से नहीं है सर, गला के डॉक्टर साहब है। अच्छा, गला का क्या है कैसे बता देगा क्या सर? बिना देखे नहीं सर, एंडोस्कोप से देखेंगे सर, जो कैमरा लगा हुआ है एंडोस्कोप पे है, आपको एंडोस्कोपी करके हम गला में डालेंगे उसको देखेंगे सर। अभी कब ऑर्डर है जी सर? प्राइवेट नौकरी क्या है सर? डेली इनकम पेशेंट पर? डेली इनकम क्या है सर? पेशेंट पर मिलता है ना 50% आपको? नहीं सर, चेक करके रेडी करना पेशेंट का। आप नहीं जानते कि सब कमीशन आता है, हमको मालूम है। जब कल हमने डॉक्टर साहब को कॉल किया कि डॉक्टर साहब आएंगे कि नहीं, डॉक्टर साहब क्यों बोले कि हम कल आएंगे, हम दूसरा डॉक्टर के पास जाते हैं। कोई मुसीबत नहीं आ सकती आपके साथ? मुसीबत आ सकता है तो आप बोल भी तो सकते हैं, आपको क्लोज करना चाहिए ना। पेशेंट क्यों ले रहे हैं? क्यों आप पेशेंट चेक कर रहे हैं? पेशेंट कहाँ ले रहे हैं? पेशेंट चेक कर रहे थे अभी आप लोग कुछ देर पहले। वो बोले हैं कि डॉक्टर साहब नहीं आ रहे हैं। बात सही है आपका, डॉक्टर साहब नहीं आ रहे हैं तो बताना चाहिए। मुसीबत आता है भैया, सबके साथ आता है, हमारे साथ भी मुसीबत आता है। अगर आपको नहीं आना था तो एक बार कॉल करके बोलिए कि हम नहीं आएंगे। गलत है लेकिन ये आपको पेशेंट चेक करना ही नहीं चाहिए था। तो आज डॉक्टर साहब नहीं आए थे तो आज आप फीस कैसे लिए? फीस एडवांस में लिया जाता है सर। तो हम कभी नहीं देखे, कहीं नहीं देखे एडवांस फीस लेते हैं। किस डॉक्टर का नाम बता रहे हैं आप? जमा करना चाहे जमा कर सकते हैं। आप किसी डॉक्टर का नाम बताएं जो एडवांस में फीस लेते हैं। संजय सर को भी आप पहले बुलाएं संजय सर को, और सबको भी, सबको संजय सर लेते हैं। हम एडवांस नहीं, हम फीस जमा करते हैं। पहले बात सुनो, हम बताए हैं सर को कि वीडियो कॉल करके हम लोग बात कर रहे हैं, पेशेंट से खुद ही बात करा रहे हैं, ठीक है। कुछ वजह से सर नहीं आए हैं इसलिए हम लोग का भेजे हैं पटना से। हाँ क्या डॉक्टर ने इलाज करने के लिए आपको? नहीं नहीं, उनको बताया कि जो भी पेशेंट यहाँ से दूर दूर के आता है सर, तो सर का कुछ प्रॉब्लम था इसलिए नहीं आ पाए हैं। नहीं सर, आज पहला बार हुआ है। आज पहला बार कैसे हो गया? नहीं सर, आज पहला बार हुआ है। जब नहीं आ क्या क्या इनसे पहले और एक दो दिन घूम के गए हैं। कुछ सप्ताह रोज में एक दिन आते हैं डॉक्टर साहब, तकलीफ होता है तो आते हैं डॉक्टर के यहाँ, भेंट ही नहीं होता है। इससे पहले दो रोज और भेंट नहीं हुआ था, फिर से सप्ताह रोज फिर से रुकना पड़ता है, इसलिए फिर आज आए। आज डॉक्टर साहब ने आए, फिर सोचे जो फिर घर अगर वापस जाएंगे तो तकलीफ बढ़ते जा रहा है, इसलिए मजबूरी में क्या रहा है डॉक्टर साहब से वीडियो कॉल करके बात की। सर बताएं, बात कर लीजिए। आप सब क्या चीज के लिए आए हुए हैं सर? पेशेंट है, हम लोग दिखाने के लिए आए। हाँ, किस से दिखाने आए? जी डॉक्टर साहब को दिखाने आए। हाँ डॉक्टर साहब नहीं है फिलहाल, अभी कौन देख रहा है? इसके अलावा अभी स्टाफ देख रहे हैं, उनका स्टाफ देख रहे हैं। वीडियो बड़ी में ना कौन देख रहा है? कहाँ आए हैं? डॉक्टर के पास आए हैं, कंसिल हुआ डॉक्टर का, जितना जल्दी आए बंगाल से। तो क्या डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं? जी नहीं, नहीं। तो कौन इलाज कर रहे हैं आपका? वही तो हमको मालूम नहीं है, आपको क्या दिखाए किसको उनका स्टाफ द्वारा इलाज किया जा रहा है? अभी इलाज नहीं किया सर, इलाज किए हैं।
आप सब आंटी कहाँ इलाज कराने के लिए हैं? डॉक्टर से इलाज कराने। क्या डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं? नहीं पता, अभी तो हम आए थे। बहुत सुनने देखा कोई तब से ऑपरेशन डॉक्टर है। कंपाउंडर मरीजों का इलाज कर रहा है, वो भी कंपाउंडर जिसके पास कोई डिग्री तक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, सिविल सर्जन साहब को ये पता तक नहीं है उनके नाक के नीचे ये इतना बड़ा जो स्वास्थ्य का जो रैकेट चल रहा है, माफियाओं का रैकेट चल रहा है, इस पर अभी तक कोई शिकंजा नहीं कसा गया। ये लगातार कटिहार में पेशेंटों का जान तक चली जाती है, मगर अभी तक कहीं कुछ नहीं है और ये बड़ा फर्जीवाड़ा है। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? वासिफ आलम। आप यहाँ आए हैं, कितने फीस आप दिए? 300। देने के बाद क्या हुआ? देने के बाद तो डॉक्टर साहब है ने बोला गया जो कुछ ही देर में आ जाएंगे, तो हम फिक्स डेट टाइम पूछे तो बोला पता तो है नहीं लेकिन आएंगे, अगर नहीं आ पाए तो वीडियो कॉल में बात करा के दवा लिख देंगे, दवा बोल देंगे, कंप्यूटर साहब दवाई लिख देंगे। तो फीस आपसे कौन लिया? फीस कंप्यूटर साहब। तो क्या बोल के फीस लिए कि डॉक्टर साहब देखेंगे? डॉक्टर साहब बोले जो डॉक्टर साहब अभी फिलहाल है नहीं, आएंगे तो हम पूछे जो कितना समय लगभग कितने लोग से फीस ले लिया गया, ये चीज़ हमको जानकारी नहीं है। आपसे लिया गया? जी जी, हमसे 300 रुपया लिया। अच्छा, डॉक्टर साहब से जब फोन पे आपकी बात हुई तो उसके बाद फीस आपको लौटाया गया? फीस नहीं लौटाया गया, मतलब फीस आपसे ले लिया गया कंपाउंडर के द्वारा? जी जी। क्या मामला है इसका? अभी हम लोग जो है स्टोर का वेरिफिकेशन करवा रहे हैं और सभी गवाही को हम लोग उसको जब्त कर लेंगे और फिर आगे जो कार्रवाई करना होगा। क्या मामला था? पूरा मामला क्या था? पूरा मामला था कि यहाँ पर बिना डॉक्टर का इलाज हो रहा है, डॉक्टर साहब पटना में रहते हैं, यहाँ उनका कंपाउंडर जो है जिसके पास कोई डिग्री नहीं है वो अपने से इलाज करता है। आज 17 मरीज का वो रजिस्ट्रेशन किया था, 17 मरीज से फीस लिया था, 5100 रुपया फीस लिया है और अपने स्कूल से इलाज करता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और दवाई भी उस पर हम जांच किए हैं और जो भी दवाई है उसका हम सील करते हैं। कौन कौन डॉक्टर बैठते हैं? डॉक्टर सर फराज अहमद सर का नाम भी है। उनके कोई क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन वगैरह है? नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन का नहीं। क्या कार्रवाई हो सकता है सर? कार्रवाई जो भी होगा हम जा रहे हैं आज अपना सीएस से बात करेंगे, जो भी कार्रवाई होगा। फिलहाल क्या किया गया? सील वगैरह? फिलहाल हम दवाई सबको डन करा रहे हैं, सील करा रहे हैं। परिचय दीजिए सर। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चौधरी, ACMO कटिहार।